हेलो। इसी से पूर्व में मैं हेलो एक बार बोला समग्र पाटीदार पटेल डांगी समाज की तरफ से पधारे हुए अतिथिगण मंच पे बिराजे हुए मंचासीन अतिथि दूर दूर दराज से पधारे हुए बुजुर्ग वडील भाइयों दोस्तों और माताओं और बहनों, आज हमें बड़ा गर्व है, आज मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस डांगी पटेल पाटीदार में जन्म लिया। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, अगर जिंदगी में मुझे कोई अवसर दोबारा दो तो मुझे मेरी समाज में देना। मेरे भाइयों, आज जिस तरह से आपने यह एकता का जो परिचय दिया है, मैं आ रहा हूं रास्ते में, यहां तो पंडाल में बैठे हैं, बारिश रोड के ऊपर यहां से लेकर सावला तक भी लोग रोड पे बैठे हैं। भाइयों, आप सबने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने एक छोटा सा मैसेज छोड़ा था कि जिला वाइज पटेल सरदार बोर्ड का गठन हो, इसलिए आप कलेक्टर मुख्यालय पर आप ज्ञापन देना। आपने मुझ पर विश्वास जताया, युवा साथियों ने इस आयोजन मंडल और सरदार बोर्ड गठन के लिए जो जो लोग थे जिन्होंने काम किया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। उस मैसेज के माध्यम से आपने मुझ पर विश्वास करा, आज हमारे बीच में सरदार पटेल बोर्ड भी बना, इसके लिए आप सबको बधाई। भाइयों, जब उदयपुर के अंदर पिछले 3 महीने पहले एक चिंतन शिविर था, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ राजनगर सलूंगर प्रतापगढ़ संबंधित और भी जिले हैं, उस चिंतन शिविर में आप पधारे, वहां आकर आपने एक छोटा सा बीज बोया जिसकी रूपरेखा में हमें एक सरदार बोर्ड मिला और वो आज बीज एक वट वृक्ष की तरह आपके बीच में तैयार हो गया। आज हम एक संगठित हो गए, जिस तरह हम कहीं जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि डांगी कौन हो, आप पटेल कौन हो, पाटीदार कौन हो, आप तीनों समाज अलग हो, हम जानते हैं कि आप समाज से पर तीनों अलग हैं। आज आप सबने समग्र पाटीदार पटेल डांगी एकता का जो मिसाल खड़ा किया, इसके लिए तह दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, काफी लोगों ने राजनीति की बातें भी की, मैं किसी राजनीति में नहीं बोलूंगा, हम कहीं राजनीति के लिए नहीं जाएंगे, हमें राजनीति का कोई शौक नहीं है, राजनीति जिनको करनी है करे, पर हमें भी हमारा हक चाहिए। हम पटेल पाटीदार डांगी समाज
जिधर झुकते हैं उनकी सरकार बदल देते हैं, ये भी सरकार वाले ध्यान रखते हैं। भाइयों, आज इतनी तादाद में आप एक मैसेज के माध्यम से आए, मैं मंसा सिंह अतिथियों को कहूंगा कि किसी के माइंड में ये भी था कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया, ना फोन किया। एक मैसेज के माध्यम से या कि मेरे डेविड भाई, या कि इनकी स्थानीय टीम, या कि हमारे विकास भाई, यहाँ की इन टीमों ने, भाई वेल जी, भाई प्रेम जी, भाई पुष्कर जी, इन सब के मार्गदर्शन से हमने आपस में बातें की कि भैया हम ये करना चाह रहे हैं, पर हम भी एक बार इसको एक मैसेज के माध्यम से एकता देखना चाहते हैं। धन्यवाद है आप एक मैसेज के माध्यम से यहाँ तक इतनी तादाद में आप पधार गए। जहां तक खाने की व्यवस्था है, हमें पूछा गया आपके समाज में कोई खाना रखते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है मगर मीटिंग में नहीं आती है, मगर आप सब ने जो आज परिचय दिया, मैंने मैसेज में ये भी कहलवाया खाना घर खा के आएंगे और साथ का खाना लेके आएंगे। जय जय सरदार। आप सब ने हमारे इस महाकुंभ में जो सहयोग किया, भामाशाहों ने सहयोग किया, मुझे उन प्रवासी भाइयों महाराष्ट्र को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे वहां बुलाया। मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूं आपको आमंत्रित करने, उन्होंने मुझे फोन किया आओ भैया, आज इतनी तादाद में भामाशाह और प्रवासी भाई महाराष्ट्र से भी आए, पार्टी वाले उनके पास आएंगे तो हम एक मंच पे बैठ के उनसे बात करेंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हमें हमारा अधिकार चाहिए। भैया कुछ थोड़ा सा लोगों को पहले हो रहा था, उदयलाल डांगी किसी एक और पार्टी से भीड़ भेड़ इकट्ठी करके कोई बेनिफिट तो नहीं ले रहा है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, आप सबके दर्शन हो गए मैं एमएलए बन गया। पर मैं ये जरूर जाऊंगा कि राजस्थान के अंदर हमारा भी एक विधायक दो विधायक कोई हो मजा आता है। हम अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए सरदार बोर्ड गठन को लेकर, हमारे साथ हमारे युवा साथी थे, रात को हम निकले, सुबह 6 बजे पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी का टाइम लेने की कोई दिक्कत आई, हम 11 बजे होटल वालों ने खाली कर दिया, अब तो बाहर निकलो भाई। तब हमने मुड़ के देखा आज हमारा कोई विधायक होता तो उसके क्वार्टर पे जाके चाय तो पी लेते। 200 में से हम एक भी नहीं, 200 में से एक नहीं, मतलब आधा परसेंट भी नहीं, आज 0 है, 0 है। किसी गवर्नमेंट कर्मचारी में अगर किसी को एपीओ कर दे या कहीं ट्रांसफर करता है तो किसके घर जाके अपन को खड़ा रहना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें कोई राजनीति के माध्यम से हमें हमारा पेट गर्म नहीं भरना है। मैं तो 2 चुनाव लड़ गया, एक राष्ट्रीय पार्टी से भी लड़ गया और एक राजस्थान की पार्टी से भी लड़ गया हूं। भाइयों मेरे तो योग नहीं थे शायद, मगर आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा, जब वल्लभ नगर विधानसभा से मेरा टिकट कटा तो आप सब जितने खड़े युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने मुझे फोन किया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी ने रूबरू होके, भाई अगर तू चुनाव नहीं लड़ेगा आज हमारे राजस्थान में कोई धनी तोड़ी नहीं रहेगा, हार जीत जो होती रहेगी तुझे बल्ली झड़ना पड़ेगा। मगर भैया आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे जो वल्लभनगर में सीट थी, विरासत की सीट है, उस जगह मुझे सेकंड पोजीशन में आपने ला दिया, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। भाइयों आप यहां इतनी तादाद में पधारे, आगे भी मैं ये चाहूंगा हमारा समाज में ये सिस्टम हो जाए, मैसेज और व्हाट्सएप इसको मान्य करना, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी समाज को झुकने दूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहूंगा, जिंदगी में कभी पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप सब ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, और भी कुछ वक्ता बैठे हैं, मैं यहां की आयोजन मंडल को, यहां के आजू बाजू के चौकड़े को, यहां के आजू बाजू जो चौकड़े हैं, विभिन्न चौकड़ों से
मैं जोगड़ों का नाम नहीं जानता हूं, मगर आप सबके चेहरे देख के लगा कि हम सब एक विचारधारा से जुड़े। रकल में आया था जब यह पंडाल गिर गया था, इतना बड़ा पंडाल है, 40,000 फीट में हमने वाटरप्रूफ पंडाल बनवाया था, गिर गया। मेरे हाथी यहाँ यहाँ देखा, सब युवा साथी यहाँ खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। एक बार तो मुझे लगा कल कैसे यहाँ बुलाएंगे, अगर आज तक हमारा ये समिति जो काम कर रही है युवा साथी वहां पहुंचे, ये यहाँ पेनेश्वर की पावन धरा का प्रसाद लेकर पहुंचे, ताकि उस गांव में वो वगैरह आपके यहाँ के आदरणीय आएंगे तो आपके गांव के लोग भी पूछेंगे क्या है भाई हमारे समाज के लोग बेनेश्वर से प्रसाद लेके आए। ये मेरे निजी विचार है। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मान सम्मान दिया इसके लिए।